नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन, और आज का जो हमारा सत्र है वो रहेगा सब्जेक्ट साइंस के लिए, और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। आज का जो हमारा सत्र रहेगा वो हमारे पिछले सत्र जो हमने लाइट पर करा था उसी के कंटिन्यूएशन रहेगा। आप हमारा पिछला सत्र जो लाइट पर आधारित था आप हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पर देख सकते हैं। फिलहाल आज के जो सत्र है वो जैसा कि मैंने अभी बताया लाइट पर रहेगा। कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए हमारा आज का ये कार्यक्रम है जो कि आप पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख रहे हैं। और यदि आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी इस सत्र के लिए हो, तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस हमारा रहेगा dth.class10@cit.nic.in। और जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर प्रशांत शर्मा फ्रॉम टीपीएस लोनी गाजियाबाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। सर जैसे कि मैंने अभी हमारे स्टूडेंट्स को बताया, लाइट का जो हमारे आज का सत्र है वो पार्ट टू है, यानी कि इससे पहले हम एक सत्र इस पर कर चुके हैं। तो आप आज के सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा क्विक रीकैप हमारे स्टूडेंट्स को, जो आप पिछले हमारे सत्र का आप उसे कंटिन्यू करते हुए लाइट टू। देखिए पिछले जो लास्ट सेशन में जो सर ने पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपका रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में सर ने बताया, प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस बनती हैं, कैसे उसमें रिफ्लेक्शंस होते हैं कि, और रेगुलर रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, इरेगुलर कैसे होते हैं। लेकिन अब हम प्लेन मिरर से दूर चल करके अब हम बात करेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस को। अगर सरफेस प्लेन ना हो करके सरफेस अगर कर्व्ड हो जाए तो कैसे रिफ्लेक्शन उसमें होगा, क्या जो हमने लॉज पढ़े वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, क्या वो लॉज यहाँ पर सेम फॉलो करेंगे या एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें ये सब चीजें इस सेशन में हम देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सर्फेस है, क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेन सर्फेस में तो हमें दिख रहा है कि लाइट जा रही है, टकरा रही है और वापस आ रही है, लेकिन उसके लिए मीडियम क्या होना चाहिए, एक तरफ से पॉलिश्ड होना चाहिए। तो अगर वही पॉलिश सरफेस को अगर हम एक कर्व सरफेस में कर दें तो क्या जो हमारे पास में जो फिनोमेना वहां पे हो रहा था वो क्या यहाँ पर यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखनी है। तो जैसे अब ये आप हम लोगों ने देखा है, काफी सारे एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे गाड़ी में मिरर लगा होता है या स्कूटी में मिरर लगा होता है, तो ये सब मिरर क्या कहते हैं, एक तरह से कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में जो साइड मिरर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उसमें इमेजेस जो है हम देखते हैं कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है लेकिन हमें पास दिखता है। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, कैसे पॉसिबल है, या हम सिंपल जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, लास्ट सेशन में, कि हम प्लेन मिरर में बात करते हैं कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी डिस्टेंस होती है सेम होती है, लेकिन जब वही हम किसी कॉन्वेक्स कॉनकेव यानी कि कर्व सरफेस के मिरर पे जाते हैं तो क्या इमेजेस वहीं पे बनती हैं, ऐसा भी हमें देखना होगा कि इमेजेस जैसा कि प्लेन मिरर में था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखता हूं तो उसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बन रही है लेकिन वो वर्चुअल है। बट यहां पर हमें ये देखना है कि क्या ऐसा ही होगा कि अगर मैं 10 सेंटीमीटर पे रखूं तो वो 10 सेंटीमीटर पे इमेजेस बन रही है या कहीं और बन रही है। तो ये सारी चीजें हमने क्या कहते हैं इसमें इसमें देखेंगे, क्योंकि क्योंकि अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन यहां पर कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए पोर्शन ऑफ ए स्फेयर। आपने जिसे पढ़ा होगा कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास अगर एक स्फेयर है, ठीक है, अब उस स्फेयर को मैं चारों तरफ से उस स्फेयर को अगर मैं चारों तरफ से क्या कहते हैं पॉलिश कर दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं उसको पॉलिश कर देता हूं तो पॉलिश कर देता हूं तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में अगर हम देखें यहां पर तो नेक्स्ट उस पर आप देखोगे कि अगर चारों तरफ से पॉलिश किया और लाइट हमने एक हटा दिया, जैसे ये जैसे आप ये देख सकते हैं यहां पर कि तो इसमें यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक स्फेरिकल सर्फेस लिया हुआ है और उसका एक साइड हमने पॉलिश कर रखा है। तो अब स्फीयर है तो नेचुरल बात है कि उसका सेंटर भी होगा, तो दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब रेज इसमें जाएंगे तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। तो जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो पिछली क्लास में आपने देखा कि हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे,
तो प्लेन मिरर की जब बात कर रहे थे तो प्लेन मिरर की बात कर रहे थे तो वहां पर हम ये देख रहे थे कि भाई जब एक सरफेस पे लाइट पड़ रही थी तो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही थी और हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे तो हमें ऐसे ही नॉर्मल क्या कहते हैं यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा और हम उस पर अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एक स्फीयर ले रहे हैं तो एक स्फीयर का सेंटर है, अब सेंटर है तो जब स्फीयर का एक सेंटर अपना दे रखा हुआ है तो उस सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उस स्फीयर की, तो यहां पर हम कहते हैं कि उस मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस मिरर का, पर्टिकुलर उस मिरर का। तो अब ये मिरर दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं और एक बाहर से भी पॉलिश कर सकते हैं, तो दो सरफेस होंगे। तो अगर अंदर से आप पॉलिश करते हैं तो इसका बिहेवियर डिफरेंट टाइप का होगा, बाहर से पॉलिश करते हैं तो इसका बिहेवियर डिफरेंट टाइप का होगा। तो यहां पर जैसे कि हम अपने पीपीटी में हम देख रहे थे, तो पीपीटी में हमने जैसे आपको दिखाया कि अगर जैसे सपोज करिए कि आपके पास में यहां पे लिखा था कि स्फेरिकल मिरर कैन बी थॉट ऑफ एज अ पोर्शन ऑफ स्फीयर दैट वाज स्लाइस्ड अवे एंड देन सिल्वर्ड ऑन वन ऑफ द साइडेड साइड्स टू फॉर्म अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, द कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्वेक्स कौन सा है कॉनकेव कौन सा है। देखिए जब आपके पास मिरर अगर मैं आपको दूं और मैं आपसे कहूं कि बेटा इसको बिना टच किए आपको बताना है या बिना इसको एक्सपेरिमेंट किए हुए आपको बताना है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको बिना टच आपको बस देखना है और बता देना है कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में कोई प्लेन सरफेस है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि मैं इसी ले लेता हूं कि अगर ये प्लेन सरफेस है, तो ये प्लेन सरफेस है तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये प्लेन है, लेकिन जब आप उस मिरर को अगर आप देखें और हल्का सा अगर आपको एक कर्व इनवर्ड की तरफ दिखे ऐसे इस तरफ से, तो आप कहेंगे कि और दूसरी तरफ पॉलिश होगा, ये बात है। तो जिस तरफ वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ऐसे कर्व्ड है और पॉलिश उसके बैक साइड पे है, तो दिस इज कॉनकेव मिरर। अच्छा ठीक है, और पॉलिश आपकी उसके क्या कहते हैं अंदर बाहर की तरफ है और कर्व वो कैसे होगा इस तरह से लाइक दिस उठा हुआ होगा, तो वो आपका आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का काम होता है कि रेस को सबको इकट्ठा ला करके एक जगह पॉइंट पर फोकस कर देना, तो कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग ही बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कहां हम रख रहे हैं। तो हम अभी पीपीटी से एक एक रे डायग्राम हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो पीपीटी में जैसे यहां पे एक द कॉनकेव लिखा हुआ, द कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जैसे आपने कहा गया कर्व्ड इनवर्ड और वो कर्व्ड आउटवर्ड ऊपर की तरफ उठा होगा, ठीक है। तो अब जैसे इसमें है यहां पर आप देख सकते हैं, तो कॉनकेव मिरर क्या है, इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बेंट इन सरफेस, मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जैसे इसमें आपको दिख रही है, इसमें मैं एक डायग्राम आपको आगे ले चलता हूं थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पहले, जैसे ये इसमें ये रहा, हाँ इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो रे ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी और कहीं से भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हम इनफाइनाइट से लें, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी हो सकता है। तो ये रे अगर इंफाइनाइट से आ रही है और आप देख रहे हो, लेकिन अब एक बच्चों के दिमाग में यहां पर एक और क्वेश्चन उठेगा कि हमारा जो मिरर होता है वो छोटा सा होता है, ठीक, रेस तो बहुत सारी, लाइट तो सब जगह, क्या वो सारी लाइट को क्या कहते हैं इस पर कर रहा है कन्वर्ट कन्वर्ज करा रहा है सब लाइट्स को, तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो मिरर होते हैं वो बहुत कम फोकल लेंथ के हम लोग यूज करते हैं, जनरली स्कूल में जो हम लोग यूज करते हैं या लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो कम फोकल लेंथ के यूज करते हैं। तो कम फोकल लेंथ के लिए बच्चों दो तरह की रेज होती है, एक होती है पैराएक्सियल रे और एक होती है मार्जिनल रेज। पैराएक्सियल रेज वो होती हैं जो बहुत क्लोज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर एक हम लोग जैसे इसमें आप देखोगे तो एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो जो रेज बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, जो मिरर के पास में रहती हैं, जो मिरर के अंदर आ सकती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं पैराएक्सियल रेज, और जो मिरर के ऊपर ऊपर जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेज। तो जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था प्लेन मिरर के थ्रू कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो स्कूल में हम जितने भी लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं क्या कहते हैं ये आपका लेंसेज और मिरर जो यूज करते हैं ये बहुत कम फोकल लेंथ के होते हैं, तो इससे इसकी क्या होता है कि ये रेस सिर्फ उन्हीं रेस को यहां वो कन्वर्ज करा पाते हैं या डाइवर्ज करा पाते हैं जो क्या कहते हैं पैराएक्सियल रेज होती है। तो ये बच्चे आप लिख लेंगे आप लोग कि पैराएक्सियल रेज क्या होती है, विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड मार्जिनल रेज जो होती है दिस आर वेरी फार अवे।
यानी उनके जो एंगल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसके कारण क्या कहते हैं वो कन्वर्ज नहीं हो पाते, तो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हम से उन्हीं रेज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रे हमारी पैराक्सियल रेज होंगी। ठीक है, एक बार पीपीटी तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हम जैसे अगर ये मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो मिरर है ये बहुत छोटी फोकल लेंथ का है, तो जो रेज आ रही है जहां पे आप देख रहे हो पी एफ और सी, दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो आपकी लाइन है यहाँ पर, आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉट फोकस फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो लाइन है दिस लाइन जो सेंटर ऑफ पोल, क्योंकि मिरर में हमेशा पोल होता है, तो जो पोल के पैरेलल जो लाइन यहां पे ड्रॉ की गई है वो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही सारी ऑब्जर्वेशंस ली जाती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आप फोकस मार्क करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आप पोल मार्क करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट का भी जो हाइट कंसीडर किया जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखते हैं। तो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से जो बहुत क्लोज होंगी रेज, तो वो यानी लेकिन पैरेलल होनी चाहिए, तो जो बहुत क्लोज है या बहुत छोटे एंगल बना रही है, जरूरी नहीं है कि हम पैरेलल कहें, बहुत छोटे एंगल भी बना रही होंगी, तो वो भी क्या कहते हैं आपकी एक तरह से पैराक्सियल रेज होंगी, तो वो यहां पर हम ले सकते हैं। ऐसे ही तो कॉनकेव में क्या होता है, पॉलिस बाहर की तरफ होती है, और जबकि कॉन्वेक्स में पॉलिस अंदर की तरफ होती है। आप देख रहे हो वहां पर लिखा है हार्ड सर्फेस, तो हमने पॉलिस वाले को हार्ड सर्फेस बना दिया है कि जिसमें लाइट जाएगी तो वो वहीं पे ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आएगा। तो यहां पर क्या है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस देख सकते हैं, फोकस देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं, ये सब और भी हम स्टडी करें, तो सेंटर एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे भी यहां पर। तो पहले हम जरा मिरर के बारे में, दोनों के बारे में एक बार बता देते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बेंट इन सर्फेस, मतलब बेंट इन सर्फेस की मीन्स इफ द रे ऑफ लाइट इन पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन टू द किधर बैक करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी वो लाइट, तो यहां पर आकर के हो सकता है फोकस पे जाए, हो सकता है क्या कहते हैं सी पर जाए, तो ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहां हमने रखा हुआ है। तो कॉनकेव मिरर को जनरली हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट को एक साथ लाए और सारी की सारी एक जगह इकट्ठा कर दे। जैसे हम लोग कहते ना कि हम लोग चार लोग बैठे हैं, तो चार पांच लोग और भाई आप सब लोग आ जाइए यहीं पे बैठ जाइए आकर के, सब यहीं पे बैठते हैं इकट्ठे, तो कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करना मतलब स्कैटर्ड कर देना। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो स्कैटर्ड कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा यहां पर एक ये भी है कि कॉन्वेक्स मिरर की अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है। तो अगर बच्चों को अगर ये कहा जाए कि आपसे बोला जाए कि भाई आप निकालिए इसकी फोकल लेंथ निकालिए, ठीक है, तो बच्चे वो फोकल लेंथ उसकी नहीं निकाल सकते क्योंकि डाइवर्जिंग है, आप रखोगे भी तो आपको दिखाई नहीं देगा डायरेक्ट। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं रेस को फिर से छोटा करना पड़ता है, कन्वर्ज कराना पड़ता है तब कहीं जाकर। तो ये बच्चे क्लास 12th में पढ़ेंगे जाकर के इस चीज को। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर अब हम एक एक करके चल, तो दूसरा हमारा था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्जिंग आउट सर्फेस। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज एज अ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो सारी की सारी डाइवर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पर नहीं रहती। और हाँ, ये अब क्वेश्चन उठेगा बच्चे के, तो इमेज कैसे बनेगी। देखिए कॉन्केव मिरर में क्या था कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है कन्वर्ज होने के बाद। जब भी कन्वर्जिंग होगा तो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन जब डाइवर्ज होता है तो हमें जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा याद नहीं कि रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट बच्चों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मुझे, मैं थोड़ा तो यहां मैं बता देता हूं। रियल इमेज का मतलब होता है कि एक तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो स्क्रीन पे दिख रही है वो रियल है, जो वर्चुअल है जो नहीं दिख रही है। और जबकि हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम भी अपने आप को देख पा रहे होते हैं, लेकिन होती इमेज वर्चुअल है वो। ठीक है, तो रियल इमेज का मतलब होता है कि आफ्टर कन्वर्जिंग इफ एक्चुअली जो रेज होती है इफ दे आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट तो दे आर कॉल्ड रियल इमेजेस, और अगर वो जबरदस्ती मिलाई जाए तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, बट जो कॉनकेव मिरर है ये रियल एंड वर्चुअल दोनों फॉर्म करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों इमेजेस यहां पर ये बनाएगा। तो जैसे अब हम इसमें देखते हैं, अब पूरा मिरर के बारे में थोड़ा उसका डाइसेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे फॉर अवर स्फेरिकल मिरर द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑन द मिरर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर
एंड इट एक्ट एज ए नॉर्मल एट दैट पॉइंट. तो ये जो आप देख सकते हैं यहां पे लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑन द मिरर. मैंने पहले ही बोला आपको कि हम कुछ भी डिस्कस करेंगे तो इस पर्टिकुलर लाइन पे डिस्कस करेंगे. अगर मैं ऑब्जेक्ट भी रखूंगा तो मैं इस लाइन पे रखूंगा, इमेज भी देखूंगा तो इस लाइन पे रखूंगा. तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं वो सारे के सारे हमने इस पर्टिकुलर लाइन पे रखकर लेने. तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लें या इमेज डिस्टेंस लें या सेंटर ऑफ कर्वेचर लें या फोकल लेंथ लें, कुछ भी आपने रखना है, वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा. ठीक है, एंड दैट लाइट, ये आप दोनों डायग्राम देख सकते हैं इसमें. इसके बाद अब जैसे है कि फॉर कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आर रियल, फॉर कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आर वर्चुअल. क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं. तो जैसे इसमें आप देखते हो कहा गया कि कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल होता है. रियल का मतलब हो गया कि आफ्टर द कन्वर्जिंग, जब रेज आ रही है और कन्वर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कन्वर्ज होने के बाद जब वो एक पॉइंट पर मिलती है आकर के, तो वो हमारा एक तरह से रियल बन रहा है क्योंकि हमें दिख रहा है वो चीज. ठीक है, जैसे मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूं. हाँ, जैसे आप देखो यहां पर कि जैसे ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है. अब इस केस में अगर रेज इस तरह आ रही हैं, दे आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. अब इसमें मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूं. इफ यू ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी कर्व सरफेस है, जैसे ये कर्व सरफेस है, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए यहां पर और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा उसका नॉर्मल होता है, ये ध्यान रखिए. अब जो भी रेज ऑफ लाइट आएगी, जैसे ये आई, तो दिस रे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहां से जब रे निकलेगी तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां पर जैसे आप देखोगे कि यहां पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा और नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करता है. ठीक है, यहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यह आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. तो इस केस में ये दो चीजें हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अब ये रे एक्चुअली मीट कर रही है यहां पर, जबरदस्ती नहीं मिला रहे हम, तो इसलिए ये कहां पर आ रही है सारी, एक फोकस पे. जैसे बचपन में बच्चों ने लेंस से पेपर को जलाते हुए देखा है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि रे ऑफ लाइट, भाई सन की लाइट को हम इकट्ठा करते थे एक जगह पे और पेपर पे फोकस कर देते थे, तो उसका पेपर जल जाता था. तो वो क्यों जलता था? क्योंकि सारी लाइट को आपने क्या किया, सनलाइट को एक जगह इकट्ठा कर लिया ला करके. तो जब सबको आपने एक जगह ला के इकट्ठा कर लिया तो सारा क्या हो गया, यहाँ पर सब फोकस पे आ गया करके. तो ऐसे ही आप मिरर के साथ होता है कि आप मिरर में भी क्या करेंगे, सारी लाइट एक जगह आ जाएगी. तो अब जरूरी है कि यहाँ पे एक ही बन रही हो सकता है ऐसे भी आ रही हो, तो ये भी फोकस पे आएगी. इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ड्रॉ कर सकते हो इसी तरह से. तो ऐसे हर एक के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकते हो. तो ये तो होता है कॉन्केव मिरर के लिए. अब आता है कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में क्या होता है, इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस. अब रे ऐसे आ रही है. अब यहां पर क्या होता है कि भाई ये आपका हार्ड सरफेस है, जैसे पहले बताया आपको, तो यहां पर तो जाएगी, तो यहां क्या होता है, यहीं से टकरा के वापस लौटती है. तो इस केस में क्या होगा, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमें क्या करना है, हमें इसको पीछे की तरफ लाना है जबरदस्ती. ऐसे इधर से लेके आएंगे आप, ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और इस रे को हम पीछे की तरफ लेके आएंगे, तो यहां फोकस हुआ करके. तो ये फोकस कैसा है, ये फोकस वर्चुअल है क्योंकि हमने इसको एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपीयर्स टू मीट है. ठीक है ना, तो अपीयर टू मीट का मतलब होता है कि आपको जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है, यहां पे क्या है, एक्चुअली मीट हो रहा है. तो ये फोकस आपका रियल है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, जो मैंने अभी पीपीटी में दिखाया आपको, तो ये इसका मीनिंग है कि फोकस का, कि रियल और वर्चुअल का मीनिंग क्या है. रियल का मीनिंग हो गया कि एक्चुअली मीट कर रहा है और इसमें आती है. ठीक है, हाँ. तो यहां पर अब जैसे है, तो अब जैसे इसमें दोनों आप डायग्राम देख सकते हो, दोनों डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया आपको कि एक्चुअली मीट करना और अपीयर्स टू मीट हो गया. ठीक ना, तो अब जैसे इसके रूल होते हैं कुछ, तभी आप इसको, क्योंकि जब तक बच्चों को रूल नहीं पता होंगे बच्चे जो है रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं, वैसे तीन रूल हैं. तो
तो दोनों के लिए है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए. तो जैसे पहला है रूल वन की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो यहां पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर अगर सर्टेन एंगल से आती है कोई, किसी एंगल से आ रही है, उस केस में हम ये नहीं कह सकते. लेकिन अगर हाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दे इट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, तो अल्टीमेटली इट मीट एट फोकस. तो ये पहला रूल होता है, बच्चों को हमेशा याद रखना है कि अगर रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं तो वो हमेशा फोकस पे आकर के मिलेंगी आकर के, ठीक है. सेकंड रूल में आपका जो है यहां पर कि फर्स्ट रूल आपका हो गया कि इनफाइनाइट से आई फोकस, तो दोनों के लिए ट्रू है. आप दोनों को देख सकते हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए. कॉन्वेक्स में भी यही है कि रे इनफाइनाइट से आ रही है, डाइवर्ज हुई और फोकस पर आकर के मिली आकर के. नेक्स्ट है रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अब कोई रे अगर एंगल से आ रही है और फोकस से पास हो रही है, या यूं कह सकते हैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी कह सकते हो, और जो ये लाइन लिखी है ये भी कह सकते हो कि रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो दोनों बातें यहां पर कह सकते हैं. एनसीईआरटी में आप जाइएगा तो एनसीईआरटी में सारे डायग्राम्स आपके एक एक अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करे हुए हैं, और एक एक डायग्राम को आप वहां पर कम से कम पहली बार में तो बच्चों से सारे डायग्राम नहीं बनते, वो कहीं इधर कट जाता है, कहीं उधर, कहीं भी ऑब्जेक्ट छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है. तो ये तो इसलिए इसकी जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, और कुछ स्केलिंग लेंगे कि भाई अगर मैं स्केल कर दूं कि मेरा मिरर 10 सेंटीमीटर का है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 5 सेंटीमीटर उसका फोकस हो जाता है, हाफ हो जाता है. तो अगर आप स्केल करते हो तब आप जाकर के उसको डायग्राम्स को अच्छे से बना सकते हो, नहीं तो बच्चों के रे डायग्राम बहुत खराब आते हैं. मतलब कभी ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा हो गया, कभी रे पहले मिल गई जबरदस्ती मिला दी, ठीक है ना. ये बहुत ज्यादा वो आता है, क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते. तो सबसे पहली बात तो रूल्स पहले फॉलो करें, एंड देन रूल्स फॉलो करने के बाद उसके बाद उसको स्टार्ट करें, ठीक है. तो और सर जैसे कि आपने ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में आपने बताया, आपने कई रूल्स भी बताए, प्रॉपर्टीज बताए, एक कन्वर्जिंग मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर के बारे में आपने बताया. आपने आपने खुद ही आपने बताया कि स्टूडेंट्स अक्सर के उनके रे डायग्राम्स होते हैं वो काफ़ी गलत आते हैं, तो क्या एक ईजियर वे भी हो सकता है इसको समझने का, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो सकता है. ईजियर वे होता है, ईजियर वे तब होता है जब पहले तो एक बार तो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे सारे, एक बार रूल्स पढ़ने पड़ेंगे एक बार में. लेकिन उसके लिए बाद में आपको सोचना है, कभी आपने देखा होगा कि अगर हम अपने प्लेन मिरर की तरफ भागते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब हम प्लेन मिरर की तरफ भागते हैं तो हमारी इमेज जो होती है वो भी हमारी तरफ भागती है, भागती नहीं भागती, देखा होगा बिल्कुल, भाग के आपने भी देखा होगा, है ना, तो हमारी इमेज भी भागती है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप सोचो अगर मैं कॉनकेव मिरर की तरफ भाग रहा हूं तो हमारी इमेज कहां भाग रही है. तो इसके लिए आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लो, एक एक्सपेरिमेंट आपको सारा कुछ आपको क्या कहते हैं एक एक्टिविटी है, अपना एक छोटा सा कॉनकेव मिरर लो और उसको कहीं पे स्टैंड पे लगा करके और उसकी तरफ भागना स्टार्ट करो, और हर पोजिशन पे अलग अलग पोजिशन पे अपने इमेजेस को देखो कि कहां पे मैं था. जब आप बिल्कुल पास आ जाओ, आप देखोगे जब दूर थे ना तो आप बिल्कुल छोटे से दिखाई दोगे, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते जाओगे आप बड़े होते जाओगे, जायंट होते चले जाओगे धीरे धीरे. उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आप जब फोकस के अंदर आ जाओगे, भाई हर एक का अपना एक फोकस होता है, तो उस फोकस के अंदर जब जाते हैं तो इमेज फिर वर्चुअल बनती है, तो हमें दिखाई नहीं देती. तो ये सिंपल से एक लाइन कहा जाता है, एज द ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स द मिरर इमेज मूव अवे फ्रॉम द मिरर. ये दिमाग में रख लो बस, अपने आप आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि जितना हम ऑब्जेक्ट को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं इमेज हमारी दूर भागने की, सिर्फ फोकस तक. भाई फोकस पे रख दो ऑब्जेक्ट पे और इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी. तो फोकस तक आप जितना आप पास लाओगे उतना इमेज आपकी दूर भागेगी. तो ये आप पढ़ेंगे भी आगे उसमें. बिल्कुल. और आपने यहाँ पे अभी तक दो रूल्स के बारे में आपने बताया, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड, तो क्या इनके अलावा भी और कोई रूल्स होते हैं? तो क्या होते हैं तो हमारे इसमें हाँ इसमें रूल्स जो है, जैसे हमने दो रूल करे, ठीक है, थर्ड रूल हमारा होता है कि अगर ये रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ. मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिट्रेस करेगी उस पाथ को.
ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आपने कोई रेट ड्रॉ करी, अब कल सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आपने पास करा दी, देन अगर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मैंने अभी हमने एक डायग्राम आपको बना के दिखाया था, तो उस डायग्राम में मैंने आपको नॉर्मल दिखाया था कि नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रहा है, अभी मैंने पेन पेपर से बनाया था, तो उसमें आपने देखा कि नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कोई भी रे, ये हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रे जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ये प्लेन मिरर के लिए भी होता है, ठीक है ना, तो प्लेन मिरर के लिए भी होगा कि अगर कोई रे नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है तो उस केस में वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, तो रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है वहां पर, तो इसलिए वो क्या करती है, रिट्रेस करती है पाथ को। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रे नॉर्मली सरफेस पे गिर रही है, तो जब कोई रे नॉर्मली गिरेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होता है, जीरो, इसलिए वो पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो ये थर्ड रूल आपने याद रखना है। तो ये तीन रूल जो है, बेसिकली तीन रूल इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना, इन तीन रूल पे आप चलेंगे तो काफी कुछ है। एक ये रूल और भी आ जाता है कि रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी लग रहा है कि अगर पोल पे कोई रे गिर रही है आकर के, तो उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन जैसे हम पीछे लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर, यानी दोनों सेम रहेंगे, आई और आर दोनों सेम रहेंगे यहाँ पर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे यहाँ। बिल्कुल सर, रूल्स तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, अभी भी सत्र में हमारे पास 3 मिनट बाकी है, तो सर जैसे कि इमेज फॉर्मेशन की आप बात कर रहे थे, आपने अभी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया, तो इसके बारे में और क्या, हम जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्या इमेज, कैसी इमेज फॉर्म होती है, इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। इमेज फॉर्मेशन, अब इन्हीं तीन रूल को लेकर के मैं अभी, क्योंकि हम इतना समय है नहीं तो हम बस एक लाइन में ही सारा आपको बोलेंगे, ठीक है। आपने क्या करना बेटा, इसके आगे आप इन तीन रूल को ले लीजिए और एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में अब आप कोशिश करिएगा कि मैंने जैसे आपको बोला ना कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे है और हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी इमेज दूर जा रही है। अब आप इन रूल को आप फॉलो करो और इमेज बनाने की कोशिश करेंगे लोग, अगर इमेज बनती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि इमेज कैसे हम लोग, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हमारे इसी बेस्ड होते हैं, क्योंकि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आता है तो वो आपको हो सकता है कि वो इमेज के बारे में बोल दे और न्यूमेरिकल के बारे में न्यूमेरिकल ऐसा दे दे कि आपको सोचना पड़े डायग्राम बना करके, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में फिर अगर आपका थॉट प्रोसेस नहीं चलेगा तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज है। बिल्कुल, तो सर जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि पार्ट 3 भी हमारे सत्र का होगा, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है, समय से बंधे हुए हैं, क्योंकि पार्ट 2 यहाँ पर हमने अभी आज तक कवर करा। पार्ट 1 आप हमारे पिछले सत्र आप एनसीईआरटी ऑफिशियल पर देख सकते हैं, हमारा ये सत्र भी आप एनसीईआरटी ऑफिशियल पर बाद में देख सकते हैं। और आज हमने पढ़ा कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, मिरर के बारे में। तो सर अभी जैसे कि आपने बताया कि सत्र हम लगभग समाप्त कर ही रहे हैं, कोई आज के कोई बुलेट पॉइंट इस सत्र से जो बच्चे याद कर सके? बस बुलेट पॉइंट ये है कि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है और आपका कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, और रूल्स तीनों याद रखने हैं। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को ये जितने भी आज का हमारा सत्र था, सभी साथ में जो सबने बुलेट पॉइंट भी समझा, आपको याद रहे। सत्र 3 हम जल्द लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें, आप इन सत्रों को देखिए, आप पढ़िए इनको, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारा जो पार्ट 3 होगा वो इसी कॉन्टिन्यूएशन में होगा, तो आपको जो हमारे पिछले सत्रों में है उनकी जानकारी होनी चाहिए। सर आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छा सत्र जो आज हमारा लाइट पार्ट 2 था वो हमारे स्टूडेंट को डिलीवर करा, थैंक यू सो मच सर। और मैं हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ, जो कि उर्दू का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।